क्यों 1971 के बाद ही इन लोगों को एनआरसी से बाहर किया? क्या 1971 के बाद असम के अंदर वोट नहीं डले? क्या सरकार नहीं बनी? जिन लोगों को इन्होंने 1971 के बाद एनआरसी से बाहर किया है, क्या इन लोगों ने वोट नहीं दिया? क्या इन लोगों ने सरकार को चुन के उस स्टेट में सरकार नहीं बनाई? अगर इनको 1971 के बाद उस स्टेट में राष्ट्रीयता खत्म की है, तो उनके वोट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं ये लोग? ये सरकार जो हमारे लोगों को केवल इस्तेमाल करना जानती है, आज जो भारत मुक्ति मोर्चा के मन से ये मामला उठा है, ये मामला यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। अगर ये सरकार इन लोगों को न्याय नहीं देगी, अगर ये सरकार इस एनआरसी के मामले को सही नहीं करेगी, तो ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी हो सकता है, पूरे देश में इसके लिए आवाज उठाई जाएगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और असम से लेके गुजरात तक जितने भी मूल निवासी लोग रह रहे हैं, 1950 के बाद वो सब इस देश के मूल निवासी हैं। ये संविधान के तहत है, इसमें सरकार किसी को बाहर नहीं निकाल सकती है। अगर सरकार कोई ऐसा फैसला लेती है, तो वो संविधान के विरोध में फैसला लेती है, और संविधान के विरोध में फैसला लेती है तो संविधान के विरोध में फैसला लेना भी एक गुनाह है। इसका मतलब सरकार संविधान के विरोध में फैसले लेके इस देश में अपने जो कांड है, जो ये कर्म कर रहे हैं और जो ये जनता के विरोध में फैसले ले रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि सरकार बदमाश है। इन्होंने जो ये सरकार बनाई है, एनआरसी का मामला क्यों हुआ, इन्होंने क्यों किया बिना किसी को बताए, बिना किसी को पूछे? क्योंकि ये ईवीएम से चुन के आई हुई सरकार है। वामन मेश्राम जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं देश में 26 जून से ईवीएम बंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा निकली हुई है, कि इस देश में जो भी फैसला मूल निवासी के विरोध में जा रहा है, वो सारे फैसले अगर संविधान के विरोध में ये सरकार ले रही है, ये ईवीएम से चुन के आई हुई सरकार है, इसलिए इसकी इतनी हिम्मत हो रही है कि ये लोगों के जो मूल निवासी लोग हैं, जो संविधान के विरोध में फैसले ले रही है, ये ईवीएम से चुनी हुई सरकार है, इसलिए ये फैसले ले रही है। तो समस्या जो है वो ईवीएम है, समस्या है जो वो ईवीएम है, क्योंकि ईवीएम से सरकार चुन के आती है और ईवीएम से हमारे वोट का महत्व इन्होंने खत्म कर दिया है। क्योंकि हमारे लोग आवाज उठाते हैं तो हमारे लोग की पिटाई होती है, हमारे ही लोगों के साथ 1947 को देश आजाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त को आजादी का दिवस मनाया जा रहा था, और 15 अगस्त के बाद एनआरसी से 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस देश में हम आजाद हैं? कैसे कहें कि हम इस देश में आजाद हैं? हमारे 19 लाख लोगों को एक झटके में इन्होंने एनआरसी से बाहर कर दिया, हम इस देश में आजाद नहीं है। हमें अपनी आजादी का आंदोलन जो वामन मेश्राम जी ने चला रखा है, उसको खड़ा करना होगा, बड़े लेवल पे खड़ा करना होगा, और हमें घर घर जाके अपने लोगों को जागृत करना होगा, हमें बताना होगा, हमें उनको समझाना होगा, हमें विचार परिवर्तन करना होगा। आज एनआरसी हुआ है, कल को कुछ और भी हो सकता है। अभी ये बात एनआरसी तक रुकने वाली नहीं है, क्योंकि उनको जो करना है वो अपनी प्लानिंग बनाए बैठे हैं, लेकिन हमें भी अब उठना होगा, रोड पे उतरना होगा, आंदोलन करना होगा। हमारी हर समस्या का समाधान अगर है तो वो जन आंदोलन है। बिना जन आंदोलन के इस देश में जब तक क्रांति नहीं आएगी, तब तक हम संविधान को जो बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में कामयाबी तभी मिलेगी जब हम जन आंदोलन करेंगे। और जन आंदोलन के लिए हमें लोगों को इकट्ठा करना होगा, और लोगों को इकट्ठा करने के लिए हमारे साथ हमारी विचारधारा, हमारे लोगों को हमें बताना होगा, एक मंच पे लाना होगा, एक मंच पे लाके रोड पे उतर के जब जन क्रांति होगी, जब जन आंदोलन होगा, तभी जाके हम अपने अधिकारों को बचा पाएंगे। क्योंकि ईवीएम का मुद्दा अभी यूपी के अंदर आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा, वामन मेश्राम जी को पीयूष पंडित के द्वारा जो है ईवीएम बंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा जो बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले चली हुई है 31 राज्य 550 जिलों में, उसको रोकने की प्लानिंग की जा रही है।
कभी एनआरसी करते हैं, कभी 370 हटाते हैं, कभी मॉब लिंचिंग करते हैं, कभी यात्रा रोकते हैं। तो इससे ये साबित होता है, हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये मामला यहाँ तक रुकने वाला नहीं है। हमारे एक एक आदमी को, हमारे एक एक मूल निवासी को, शेड्यूल कास्ट ओबीसी के लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हम लोग विचार परिवर्तन नहीं करेंगे, ये मामला नहीं उठाएंगे, रोड पे नहीं उतरेंगे, तब तक इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। अभी तो ये यात्रा आधे देश में ही चली है, अभी से इन लोगों के पैर डगमगाने लगे, सरकार हिलने लगी, सरकार बौखलाने लगी। अमित शाह जी आके बयान देते हैं सोशल मीडिया पे कि भारत देश के अंदर 100 करोड़ घुसपैठिए घुसाए हैं। इसका मतलब 100 करोड़ कौन है? हम ही है ना, एस सी एस टी ओबीसी के लोग हम ही है ना। तो हमारे लिए अमित शाह बयान देता है कि 100 करोड़ लोग घुसाए हैं। अगर भैया हम 100 करोड़ लोग घुसपैठिए हैं तो सरकार क्यों बना रहे हो, क्यों ले रहे हैं हमसे वोट? तुम्हें हमारे वोट की जरूरत क्या है? घुसपैठिया कोई वोट दे सकता है क्या? नहीं दे सकता ना। लेकिन उनको पता है हमें ईवीएम से लेना है, उनको पता है हमें ईवीएम से वोट लेना है ना। तो हम एनआरसी करें, 19 लाख को निकाले, 20 लाख को निकाले, सबको निकाले, उस राज्य को खत्म कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक डेमोक्रेसी है इस देश में, लोकतंत्र है, तो आर्टिकल 19 के तहत सबको अपनी आवाज उठाने का हक है। आवाज उठाने का मतलब, बाबा साहब ने कहा था ऐसा समय कभी नहीं आएगा कि आप विरोध ना कर सकें। तो विरोध करने के लिए आज जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये आर्टिकल 19, जो आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसी के तहत हम आज जंतर मंत्र पर धरना कर रहे हैं। भारत में कहीं भी अगर हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन करते हैं, हकाधिकारी को लिए आवाज उठाते हैं, तो वो संविधान का मामला है, संविधान के तहत ही करते हैं। हमारा कोई भी काम हो, हमारा कोई भी आंदोलन हो, वो संविधान के दायरे में होता है। इनको वहां भी दिक्कत होती है, हमारे लोगों को ये संविधान के दायरे में भी आवाज उठाने देते। तो सभी साथी जो असम से आए हुए हैं, आज इन्होंने जो समय निकाला है, 2 दिन से घर से निकले हुए हैं, 3 दिन हो गए घर से निकले हुए, अपने अधिकारों के लिए निकले हुए हैं। हमें उम्मीद है कि हाँ, ये जो मामला हुआ है इसको कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट किया जाएगा। तो भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से आज जो जंतर मंतर पर हमारे जो सीनियर साथी भी आज आए हुए हैं, और तो एनआरसी के मामले पे आज सभी लोग असम से आए और आसपास के क्षेत्रों से आकर जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया जाएगा। लेकिन एक अल्टीमेटम मीडियम के माध्यम से मैं भी कहना चाहूँगा कि अगर हमारे लोगों को अधिकार नहीं मिल रहे हैं इस देश में, तो इस देश में रोड पे जन क्रांति होगी, सामाजिक क्रांति होगी। हम लोग रोड पे उतर के आंदोलन करेंगे और इस देश में 31 राज्य 550 जिलों में हमारे लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए भी उतर सकते हैं। ये बात ये सरकार ध्यान रखे, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। 19 लाख लोगों को एनआरसी से बाहर किया गया है। तो साथियों, आगे मैं आप लोगों के लिए, हमारे सीनियर साथी जो आए हुए हैं मंचासीन, मैं चाहूंगा वो आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाएं। और जाने से पहले मैं एक बार बोलना चाहूंगा, बोल 85।
बहुत पिचासी जानून निवासी। निकलो बाहर मकानों से, मैं बोलूंगा जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जब 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 जी जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।